सकते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान सरकार ने लागू की है। लगातार ये 10 तारीख से शिविर चल रहा है और ये 31 सितंबर तक चलने वाला ये शिविर है। इसमें माताएं बहनें सभी देखिए अपना फोन जो है ले रही है। कैसा लग रहा है? आपको नाम बताओ। अच्छा लग रहा है। मेरा नाम बताओ। नाम भी मोनिका सिद्दीकी। जी जी, आज सरकारी तरफ फोन मिलियो कितने लाग रहे हो? कतरो धन्यवाद देना चाहो सरकार। कई करो फोन ने पुराना गाना देखेगा पुराना भजन सुनाऊंगा। भजन आपको मिला? हमारे साथ में एक लाभार्थी हुई है जिनकी माता जी को मिला है। कितनी उम्र है मामा माता जी की? 75 की उम्र में। आपने कभी फोन दिलाया उनको? लेकिन किसने दिया है? ये नहीं सरकार। तो हमने कभी फोन नहीं दिलाया, माता फोन को क्या करेगी। लेकिन आज सरकार की तरफ से मिलने वाला फोन कैसा लग रहा है? आपने उस कर्तव्य को पूरा किया है कि चलो सरकार दे रही थी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माताओं के प्रति प्रेम, बहनों के प्रति प्रेम, विद्यार्थियों के प्रति सरकार ने बिल्कुल सहानुभूति दिखाई है। यहाँ पर लो राजस्थान की सबसे बड़ी योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत यह सभी को लाभार्थियों को फोन दिया जा रहा है। और इस शिविर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लाभार्थी पहुंच रहे हैं। तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी को फोन दिए जा रहे हैं और बिल्कुल निशुल्क फोन दिए जा रहे हैं। सौरभ जी हमारे साथ में हैं, इंदिरा गांधी योजना जी। सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं सौरभ गुप्ता साथी हूँ, ब्रांड एम्बेसडर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना नगर निगम उदयपुर। आज साथियों हमारे बड़े हर्ष की बात है कि राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी जो योजना है पूरे राजस्थान में सुचारू नगर निगम गांधर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम लोग आज ये स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में है। और आप देखो जो पात्र व्यक्ति है उनको हमने स्मार्टफोन वितरण किए हैं, मैंने इनको भी मिला है, तो बहुत खुशी की बात है। मैं राजस्थान सरकार को, हमारे राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा। थोड़ा मतलब तो आप देख सकते हैं कि बहनों को, अरे बटे ऊपर तो राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि बहनों को फोन मिला है। आपका नाम कहिए? हैं यशवंती बाई। तो आपको फोन मिल गया है? आपका नाम? आपने मिल गया है? आपका कहाँ है? अच्छा, तो देखिए दोनों माता बड़े प्रसन्न दिखाई दे रही है। और आइए करते हैं, क्या करोगे फोन का? अच्छा चलाएंगे, बात करेंगे, गाने वाने सुनेंगे, भजन सुनेंगे और दुनिया की सारी जानकारी देख सकते हो ना। धीरे धीरे सीख जा वाला। अच्छा सरकार को क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद देना चाहोगे? इधर बढ़िया काम की दो तो नहीं तो देंगे क्या? तो धन्यवाद दो सरकार ने। अशोक गहलोत साहब धन्यवाद आप रो। आप रो धन्यवाद। थोड़ी घनी सस्ताई करो, इतनी महंगाई है, हम तो दो घर के बर्तन मांगते मजदूरी करके पेट भरते। तो आप देख सकते अबे आपने फोन तो दे दी तो अबे कहीं चाहिए रो? अबे तो कहीं नहीं दे रो, थोड़ा सस्ती वाड़ो। आटो दाल तो मिली रो है ना? कहूँ मिली रहा है? फोन मिली गयो, काम मिली गयो इंदिरा गांधी योजना में, अबे कहीं चाहिए। अबे तो सरकार ने धन्यवाद दो और सरकार ने बाची लाता कि और बढ़िया व्यवस्था कर सके है ना। तो इंदिरा गांधी शहरी जो योजना है वहीं में काम करो। आप बताइए कैसा लग रहा है, क्या फीलिंग? इतने बहुत दिनों से आप सेवाएं दे रहे हैं, क्या फीलिंग्स? ऐसी ऐसी माता है जिनकी उम्र 75 साल है, 80 साल है, वो जब फोन ले जाती है उसके चेहरे पे जो झलक है, अपने बेटों ने कभी नहीं दिया, पोतों ने नहीं दिया, लेकिन एक राजस्थान के मुखिया गहलोत साहब की तारीफ जितनी की जाए कम है क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे ही किया। आपका क्या सोचना है, क्या सोचते हैं? मैं राजीव गांधी युवा में तो चंचल को राठौर हूँ। जैसे कि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत ने स्मार्टफोन, राजीव गांधी स्मार्टफोन योजनाओं की जो योजना है
इन माताओं बहनों को दे रहे हैं ना। माताओं बहनें इतना उत्साह है इससे कि मुख्यमंत्री को इतना आभार व्यक्त करके जा रही है और इतनी खुशी है उनके चेहरे पे। मतलब बुजुर्ग लोग जो आते हैं ना, वो माताएं आती हैं ना, उनके चेहरे पर खुशी देखते ना, उसको हम उतार नहीं कर सकते। मतलब देख लेती हूँ कि ऐसी योजनाएँ आगे भी लाए और इन माताओं को खुश करके भेजे। धन्यवाद। ये जो पूरी योजनाएं हैं जो सरकार लेके आई है, इसमें सकारात्मक पहलू क्या आपको दिखाई दे रहा है और नकारात्मक क्या दिखाई दे रहा है? सकारात्मक तो ये है कि ज्यादातर सकारात्मक ही चीज दिख रही है। जैसे कि हर बुजुर्ग महिला आ रही है, उनको पहले फोन चलाना आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी चेहरे पर उत्साह है, हमको अच्छा फोन मिल रहा है, आगे जाके हम इसमें अच्छी चीजें देखेंगे, पूरा दुनिया को शेयर करके इस चीज में कुछ देख सकेंगे। और जैसे कि कॉलेज स्टूडेंट और ज्यादा उत्साहित है कि चलो एक ऐसी चीज दी है जिसके माध्यम से हम पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्या आज के युग में, आज के डिजिटल युग में इसकी मांग है वास्तव में? बिल्कुल है, क्योंकि जो चीज़ ये डिजिटल माध्यम से जो लागू करी ना, इसकी वो बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मतलब लड़कियों को क्या, बहुत लड़के ऐसी जैसे वो हमें पेरेंट्स वो नहीं दिलाते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने हमको ये फोन दिलाती, मतलब हमको वो आगे पहुँचाने की, मतलब जो चीज़ लिखी है ना लड़कियों को आगे पहुँचाने के लिए ये चीज़ करी है, वो अच्छी चीज़ है कि फोन दे के हमको आगे बढ़ाना चाहते हैं। अभी लोग, कुछ लोग खिल्ली उड़ाते दिखाई दे रहे हैं, फोन का मजाक बना रहे हैं, बहनों का मजाक बना रहे हैं कि आपको प्ले स्टोर से ये डाउनलोड कर लो, इस तरह से मजाक बनाया जा रहा है। हो सकता है एक दो महीने इधर उधर हो सकती है, लेकिन 98 बहनों का तो नहीं मार सकते ना हम। ना, ये तो विपक्ष है, अब विपक्ष वाले तो आप जानते हैं चलता रहता है, वो तो खिल्ली उड़ाएंगे ही, लेकिन नहीं, ज्यादातर पॉजिटिव चीज। बहनों को क्या कहना चाहेंगे जिनको फोन कर रहा मिल रहा है? बहनों को फोन मिल रहा, मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लोग यही चाहते हैं कि जो इस फोन का आप अच्छे से अच्छे यूज करो, इसके माध्यम से आप जैसे कि पास ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो आप कहीं ई मित्र पे नहीं जाए, उस ऐप के माध्यम से आपकी जो भी चीजें आप घर बैठे उसका उपयोग करें। ऐसी चीजें है कि आप कहीं ई मित्र वाले के वो जैसे कि बिल है, कुछ भी है, बहुत सारी चीजें ऐसी जो ऐप के माध्यम से आप घर बैठे कर सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। ज्यादातर स्टूडेंट के लिए, बालिकाओं के लिए तो आप पढ़ेंगे तो इसका ध्यान, ये चीज। एक बात और कहनी चाहिए कि पहली बार राजीव गांधी युवा मित्र के माध्यम से आप लोगों का भी सरकार ने कहीं ना कहीं, पार्टी के कार्यकर्ता तो होते हैं लेकिन उससे भी ऊपर उठकर ध्यान रखा, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा कि हमें इतनी प्राथमिकता दी सीएम साहब ने, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आगे चाहते हैं कि हमारे भी मतलब एक भविष्य हो जिसमें हम सुरक्षित हों, लेकिन बाकी जो पार्टी का है वो तो हम देख रहे हैं और आगे भी देखते हैं।